फ्रेंड्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.3 है ये, और उसका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है वो नाम है हियर। सुनो, यहाँ पर है एच ही मिला हुआ है 5 सेंटीमीटर, ई ए दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एंगल आर दे रखा है 85 डिग्री। तो पांच चीज़ें वैसी हो जाएगी क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड है वो बराबर होती है। तो रफ डायग्राम प्लॉट करते हैं और क्लैरिटी हो जाएगी। रफ डायग्राम मैंने प्लॉट किया पैरेललोग्राम का, नाम दिया इसको, पहले मैं ही नीचे रखूंगा, क्यों? क्योंकि ही मिला हुआ है एच ई आर ही है 5 सेंटीमीटर, ई ए 6 सेंटीमीटर, एंगल आर 85 डिग्री, और ऐसे कैसे? अब आप भी सोच रहे होंगे कैसे बनेगा, है ना? बड़ा आसान है ये, 85 है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 85 हो गया। और एक प्रॉपर्टी और है, वैसे तो हम इससे भी कर लेंगे, और अगर आप इसी तरीके से जो आपको करवा रखा है आप उसी तरीके से करना चाहें तो भी ये हो जाएगा। कैसे भला? ये 6 है, ये 85 है, तो एडजेसेंट एंगलों का सम, यानी कि ई है और ई के तुरंत बाद ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये एडजेसेंट हुआ और इसका एडजेसेंट ये भी है, तो फिर हमें क्या होगा? 85 डिग्री है, हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे 180 के हिसाब से, क्योंकि इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, तो ये आएगा 95 डिग्री। अब ये 95 है तो इसका अपोजिट एंगल ये भी 95 होगा, तो बन गया ना, अब 3 एंगल हो गए, 2 साइडें हो गई, यही तो है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए अब इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, और पहले हमें कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ, ये 85 क्यों आया, ये 95 क्यों आया, और ये 95 क्यों आया। अब लिखेंगे इन पैरेललोग्राम HEAR, बिकॉज इन पैरेललोग्राम, यही कर देते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए एंगल ई इक्वल टू होगा 85 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, सो एंगल ई इक्वल टू एंगल ई प्लस एंगल एच इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ई की वैल्यू क्या आ गई, एट्टी फाइव डिग्री आ चुकी थी, और एंगल एच नहीं है हमारे पास, तो फिर नेक्स्ट है एंगल एच की वैल्यू आएगी 180 माइनस 85 डिग्री जो कि 95 डिग्री है। ठीक है, एंड एंगल ए, ये 95 आ गया, एंगल ए भी 95 होगा, एंगल ए बराबर में एंगल एच बराबर में 95 डिग्री, क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इजी है ना, गुड। अब देखते हैं इतनी सी शेप की जगह पर ये होता है क्या, बन जाएगा क्या, बनना तो चाहिए, क्या क्या लगता है आपको, बनाए? देखी जाएगी, पहले लेंगे एच ई 5 सेंटीमीटर, 0 पे लगाई, 5 पे लगाई और ज्वाइन कर दिया,
ठीक है, 5 सेंटीमीटर अच्छी। अब यहाँ पर 85 डिग्री एंगल बनाएंगे, 85 डिग्री वर्टेक्स पर ये पॉइंट अच्छे से आएगा और ये लाइन इसको ओवरलैप करेगी, ढक लेगी, पूरा ढक गया 85 डिग्री। अब क्योंकि राइट हैंड साइड में है ना ये लाइन सेगमेंट के, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो ऊपर की मेजरमेंट ज़्यादा ऊपर हाथ जाता है, ताकतवर है, तो इसलिए इस हिसाब से आप इसको याद कर लीजिए ऊपर की मेजरमेंट 85 डिग्री, 80 और 90 के बीच की होगी इसकी, इन दोनों के बीच में गलती से मत कर दीजिएगा, ऊपर की मेजरमेंट देखनी है ना हमें, तो गलत हो जाता है अपना, 80 और 90 के बीच की ऊपर की मेजरमेंट देखनी है, राइट हैंड साइड में है तो ये हुआ 85 डिग्री का। इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा, ओ 6 सेंटीमीटर हो ही गया, जिसकी जिसका डर था, कोई बात नहीं, अब आप थोड़ी सी स्पेस दे करके कीजिएगा, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो, पीछे बनाऊँ, समझ में नहीं आएगा, ठीक है अभी बनाता हूँ, पहले इसकी क्लिक ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लीजिए, जितना हमने बनाया था उतना मैंने बना दिया, यहाँ पे था ये इस प्रकार से, यहाँ इसको जो नाम है वो नाम नहीं दिया था, तो नाम क्या होगा इसका, ए, क्योंकि इस एंगल से 85 से और 6 सेंटीमीटर से हमारे हमें ये पॉइंट ए मिल गया। अब 95 डिग्री एंगल बनाना है हमें, यहाँ पर एंगल बनाया पहले 85 डिग्री का और फिर 6 सेंटीमीटर काट दिया, तो ए पॉइंट हमें मिल गया। अब ए के ऊपर हमें बनाना है 95 डिग्री का एंगल, फिर वही सेंटर एग्जैक्टली इसके ऊपर आना चाहिए जिस पर एंगल बना रहे हैं, वर्टेक्स, नीचे वाली लाइन ओवरलैप कर गया, ये डी की लाइन 95 डिग्री, राइट हैंड साइड में ही है ये भी, लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट है, राइट हैंड साइड में ये पॉइंट है, तो ऊपर की मेजरमेंट और 95 डिग्री 90 और 100 के बीच की, ये इसको ज्वाइन कहा देख लिया मैंने, ठीक है ओके, और इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है आगे बढ़ा दिया इसको, ये एंगल कितने डिग्री का आया, 95 डिग्री का। अब हमें ए मिल चुका है, अब आर पॉइंट की बात है, ये आर पॉइंट कैसे मिलेगा, आर पॉइंट के लिए यहाँ से 95 की लाइन लगाइए और यहाँ से भी 95 की लाइन लगाएंगे, जो रे है वो ड्रॉ करेंगे, दोनों आपस में काटेंगे वो पॉइंट आर आएगा, तो यहाँ पर हमें अब 85 डिग्री की जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है, ये पॉइंट सेंटर हो गया, वर्टेक्स, और यहाँ पे रख के 85 डिग्री, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में ई पॉइंट है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो नीचे की मेजरमेंट, नीचे की मेजरमेंट में 80 और 90 के बीच का जो पॉइंट है, हमें तो 95 बनाना है ना, तो 90 और 100 के बीच का ये पॉइंट रहा, ये 95 होगा, नीचे की मेजरमेंट देखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है ये एच ई के लेफ्ट में है, तो इसलिए नीचे की मेजरमेंट देखेंगे और 100 और 90 के बीच की पॉइंट ये आ गया। इसको इसे ज्वाइन करूँगा, कर रहे हो आप भी साथ की साथ, गुड, तो ये कितने डिग्री का हुआ, ये 95 डिग्री का हमने निकाला था, ये 6 सेंटीमीटर और जो ये पॉइंट आया ये पॉइंट आर आ गया, और अपने आप में ही ये एंगल 85 डिग्री होगा जो कि हमें गिवन था, ठीक है, तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं थी, बन गया ना, आसान है, वेरी गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के साथ, और याद रखिएगा इसमें प्रॉपर्टी जो हमने इस्तेमाल की है वो प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, हमें ये और ये गिवन था, साथ में 85 था गिवन,
ना ये ना ये ना ये गिवन था। तो 85 की मदद से हमने ये निकाला एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से। एडजेसेंट एंगल होगा सम 180 डिग्री होता है, तो हमने ये वाला एंगल निकाल लिया 95। और 95 अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसके सामने का जो ये वाला एंगल है ये भी 95 होगा, तो ये निकाल लिया। और फिर हमने ये कंस्ट्रक्शन आसानी से कर ली। ठीक है, बाय।